वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मखाने के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक है। इसके फायदे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मखाने के लड्डू के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मखाने, घी, किसा हुआ नारियल, ये सूखा नारियल है मैंने किसा हुआ है, रोस्टेड ग्राउंडनट पाउडर, मूंगफली की पाउडर, इलायची, जायफल, 10 काजू, 10 बादाम और गुड़। तो चलिए बनाते हैं। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूं, इसमें हम मखाने रोस्ट करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे मैं निकाल देती हूँ। अभी मैं काजू बादाम रोस्ट करूंगी, थोड़ा घी डाल दूं। अब ये भुने हुए मखाने मैं मिक्सर में पीसूंगी। इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये रोस्टेड बादाम, ये भी मिक्सर में पीस लूंगी। मैंने इन मखानों को भी पीस लिया है, ज्यादा बारीक नहीं रखा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने काजू बादाम की पाउडर की है मिक्सर में। अभी मैं आपको बता दूं कि हमें गुड़ कितना लेना है। जितनी ये पाउडर है उतना ही हमें गुड़ लेना है, ताकि लड्डू बाइंडिंग करने में आसानी हो। अभी ये मखाने की पाउडर में मैं डालूंगी मूंगफली की पाउडर, किसा हुआ नारियल, काजू बादाम की पाउडर, इतना ही अभी हमें गुड़ लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अभी अंदाज़ से उतना ही गुड़ लिया है। अभी हम इसे मेल्ट करेंगे। ये मैंने गैस ऑन कर दिया। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा घी, अभी इसमें डालेंगे जैगरी हमारा गुड़, इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई इलायची और जायफल, और इसे अभी अच्छे से हमें स्टर करना है। ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 से 3 चम्मच। हमें ये गुड़ का कच्चापन निकालना है और ये सारा गुड़ एक बार मेल्ट हो जाए, फिर हम गैस बंद कर देंगे। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। अब ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये हमारी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दे हम, और ये गुड़ जमने से पहले हमें इसके लड्डू बनाने हैं, तो हमें थोड़ा फास्ट होना होगा। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि ये जल्दी बन जाए। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है।
ये बहुत ही गर्म होगा, सो आपको सावधानी से लड्डू बनाने हैं। अभी थोड़ा पानी ले लीजिए हाथ में, ताकि ये मिक्सचर आपके हाथ में चिपके ना। ऐसे आपको लड्डू बनाने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही पौष्टिक है ये लड्डू। पानी लगाने से आपके हाथ जलेंगे भी नहीं और ये लड्डू चिपकेगा भी नहीं आपके हाथ में। ऐसे आप सारे लड्डू बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके हाथ में चिपक रहा है, फिर से पानी लगा लीजिए। और ये पौष्टिक मखाने के लड्डू खाने के लिए तैयार है।